हे गाइस, वेलकम टू हेल्दी गार्डनिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोर्टेबल प्लांट शेड या मिनी ग्रीन हाउस या फ्लावर टेंट, आप जो भी कहना पसंद करें। यह आपके प्लांट को सनलाइट से बचाएगा, बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है दोपहर की, उससे प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, पहले आपको ऐसे एक ऊंच से फ्रेम बना लेना है। मैंने जो ये फ्रेम बनाया है ये क्यूब शेप में है, अबाउट 3 फीट में। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी शेप और साइज का बना सकते हैं। मैंने ये पाइन वुड से बनाया है, आप कोई भी वुड यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि जो वुड यूज़ करे वो स्ट्रॉन्ग हो। ये बहुत ही ड्यूरेबल और हल्का है, आप अकेले ही इसे मूव कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, कई प्लांट होती है जैसे सकुलेंट्स जिनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए या मॉर्निंग सनलाइट चाहिए, तो आप उन जैसे प्लांट्स के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गार्डन बड़ा नहीं है पॉली हाउस बनाने के लिए और आप प्लांट को ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना चाहते बारिश या स्मॉल एनिमल की वजह से, तो ये बहुत ही तरफ से यूज़फुल है। रेन, इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल्स और पेट्स। अगर आपके घर में कोई प्लांट ऐसे जगह पर रखा है वहाँ सनलाइट तो ठीक होती है, पर दोपहर में कुछ ज़्यादा सनलाइट आ जाए और आप प्लांट को दूसरी जगह रोज़ शिफ्ट करना ना पड़े, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े इससे कवर कर सकते हैं। फ्रेम बनाने के बाद हम इसमें शेड नेट, ये जो कि ग्रीन हाउस वगैरह में लगाते हैं, इससे पूरा कवर कर देंगे। देखिए, हम इससे ऑब्वियसली नीचे से कवर नहीं करेंगे क्योंकि प्लांट्स को ढकना होगा, और हम उसके अलावा साइड का एक साइड कवर तो करेंगे बट टाई नहीं करेंगे, उसे नहीं बांधेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्लांट्स को रखने, निकालने या एडजस्ट करने के लिए एक अच्छी और कन्वीनियंस वे चाहिए, तो हम इसे बांध लेते हैं। मैं इसको बांधने के लिए प्लास्टिक की रस्सी यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्टील वायर भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें काफ़ी जल्दी जंग लग जाता है बारिश में। हमें वैसे बाद में स्टील वायर यूज़ करना ही पड़ेगा, बस फिर भी कम से कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने इसको सब तरफ से अच्छी तरह से बांध दिया है। देखिए, फ्रेम बनाने के बाद या पहले आप इसके वुड को वुड सीलर या पेंट भी कर सकते हैं ताकि ये ना सरे। खैर, मैं भूल गया करना, बट आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने इसके 3 साइज़ को कवर कर दिया है और बचे 2 साइज़ को भी इसी तरीके से कवर कर लेते हैं। तो हम इसे भी बांध लेते हैं। बांधने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और जो साइड मैंने नहीं बांधा है उस साइड से हम प्लांट्स को एडजस्ट करेंगे। तो रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर प्लास्टिक से कवर कर देंगे। तो देखिए, जो कि हम अभी प्लास्टिक को बांधेंगे तो हमें स्टील वायर यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक का वायर यूज़ करें तो ये जो प्लास्टिक है ये जहाँ से बांधेंगे वहाँ से फटना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा प्लास्टिक आपके किसी भी पास के स्टोर से मिल जाएगा, तो इसे भी मैं बांध लेता हूँ।
देखिए ये तैयार होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।